बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्लास, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आपकी आवाज? वाले सलाम। नहीं, असल में मेरा हैंड फ्री नहीं सही लगा हुआ था मुझे, अब मैंने अब देखा है। मैं बड़ी देर से बोल रहा था, मैं समझा कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आप मैसेज कर दिया करें।
नहीं नहीं मैसेज का मुझे नहीं इतना, मैं जरा सीधा सीधा आदमी हूँ यार, मैं जबानी कलामी डिली पे डिली वो बिलीव करता हूँ। अच्छा क्लास, मैंने आपको ना तकरीबन बल्कि तकरीबन क्या सारे सवाल के सॉल्यूशन भेज दिए हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने उसमें से मैक्सिमम कर लिए होंगे। ये आपकी ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये आपका इससे आईसीएमएपी का हक अदा हो जाएगा, लेकिन ये मिनिमम आपकी नॉलेज इतनी रिक्वायर्ड है। आपके ये सारे सवाल अगर हो जाते हैं ना आप लोगों से, तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आज आगे चलूं, तो मैं आपको ना मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों से कोई क्यूरीज आपकी हैं तो वो पहले हो जाएं, क्योंकि ये दो चैप्टर ऐसे हैं कैश फ्लो का और डेफर टैक्स का, जिसकी क्यूरीज हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्योंकि इनकी क्यूरीज अगर आपने साथ साथ सॉल्व नहीं ना की, तो फिर ये बाद में जाके मिक्सअप बन जाती हैं। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज भी आज मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आपने करने हैं, और कुछ पास पेपर में बड़े अच्छे सवाल आए हुए हैं इसके हवाले से, कैश फ्लो के हवाले से, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये उसके सॉल्यूशन भी मैं वो आप वो तो है आपके पास अवेलेबल ही है सॉल्यूशन तो उसके। ठीक है, तो जी, तो मैंने आपसे जो सॉल्यूशन शेयर किए थे, आप लोगों ने अगर ट्राई किए हैं, एक दो स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया हुआ है इसके अंदर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि बेट एंड टैकल कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकाली है। तो वो जरा बच्चा है क्लास में, इस वक्त जो सवाल पूछ रहा था। सलामकुम सर। जी, अच्छा, इसमें ऐसा है, इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं या इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, मेरा है क्वेश्चन नंबर 6 में जो अपना इनडायरेक्ट मेथड है ना सर, जी, उसमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है ना वो 950 कैसे हैं, तो अच्छा मेरे से सॉल्व ठीक नहीं हो रहा, कहीं वो तो थोड़ा बता ठीक दीजिएगा ठीक है ठीक है डायरेक्ट मेथड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये फेयर चाइल्ड वाला। अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि जो सेलिंग एंड जो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो 950 कैसे हैं। ठीक है, अच्छा उसमें आप ये करें कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर वो जो फार्मूला है ना हमारा, जो हमने कल डिस्कस किया था, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करें ना जरा इसके ऊपर कि कैसे अप्लाई होता है। अच्छा ये फार्मूला बेटा लेके आए ना, इसमें इसमें सेलिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं, इसमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 900 930, ऐसी है जी जी। तो 930 के अंदर ही हमारा डेप्रिसिएशन भी तो इंक्लूड होगा ना, तो 30 माइनस कर दें इसमें से। ठीक है सर, जी, सर 930 में 30 को माइनस करें ना, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है ना जी। इंक्लूड पर वो कैसे पता चलेगा? अब वो आपको बताया नहीं ना हुआ कहीं इसके अंदर के डेप्रिसिएशन कहाँ पे, तो ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का ही पार्ट होता है ना डेप्रिसिएशन, अगर ना बताया हो ना। ठीक है, जी अगर सर, डेप्रिसिएशन का के बारे में बेटा जिस जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो तभी मेरे बेटे, जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो अपना माइक म्यूट रखे ना। ये फरवा अकरम है जिनका ये माइक अनम्यूटेड है। देखें, अगर आपको इन केस ऑफ एनी नॉन इंफॉर्मेशन, जब आपको ये बताया ना जाए ना कि सेलिंग ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है ना। अब जी सेलिंग एंड सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, तो वो इसमें से माइनस कर दें, तो बाकी जो 900 रह गए हैं, जो 900 आप यहाँ पे लिखे हैं 900 रह गए। और अब आप मुझे बताएं कि प्रीपेड है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रीपेड इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, लेकिन अक्रूवल है। अक्रूवल कैसे हो गया? अक्रूवल में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? अप्रूवल में कमी हो रही है सर, कमी हो हाँ, रही तो है जब सर, अक्रूवल में कमी क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे लेस करेंगे? हाँ, ऐड ऐड करेंगे करेंगे सर। तो वो ऐड कर दें। ठीक है, ठीक हो गया, 50 ऐड करें तो 950 आ जाएगा।
अच्छा सर, इसमें जो वो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80 का है, 80 रुपीज का है, वो इसमें ऐड नहीं करेंगे हम? वो तो अलग से नीचे दिया हुआ है ना, वो नीचे अलग लाइन आइटम के तौर पे दिया हुआ है। अगर आपको वो एक्सपेंसेस के अंदर कंबाइंड दिया होता तो फिर आप उसके अंदर करते हैं ना उसको ऐड बैक, ठीक अच्छा, है। इसको हम लेकिन फिर यहाँ पे नहीं करेंगे। देखें, गेन ऑन सेल ऑफ जो होता है ना, गेन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवल तो होता ही नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग गेन है, ये अदर प्रॉफिट या अदर लॉस होता है, ये कभी भी ऑपरेटिंग अच्छा एक्सपेंसेस का पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है लेकिन सर। लेकिन इनकम बिफोर टैक्स के अंदर तो इसका इम्पैक्ट आया होता है ना, इसलिए इसको हम ऐड बैक या माइनस वगैरह कर रहे होते हैं। डायरेक्ट मेथड में इसका कोई वो मतलब नहीं लेंगे हम। नहीं, ये ऐसे ना याद रखें, डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं ना ये होता, इसलिए इग्नोर हो जाएगा ना, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। है जी। और कोई सवाल? सर, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जी 250 का, ये 250 का इम्पैक्ट किस तरह है? हाँ, तो 250 का इम्पैक्ट इससे है ना कि ये पहले 1650 थी, अब 1400 रह गई है। तो सर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ऊपर नहीं है, अच्छा वो 1470 सॉरी सॉरी, के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसमें बेटा देखें, उसमें आपको गेन भी तो हो रहा है ना, ये मैंने वैसे इसमें लिखा भी था कहीं पे, ये देखें, सेल ऑफ लैंड में 250 है ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिंक, ये मैंने जो स्पेलिंग गलत कर दी है, इसमें ऐसे है कि इसका जरा डिफरेंस ले कितना आ रहा है से इसका 170, 170, लेकिन गेन भी तो हुआ आपको 80 का, वो ऐड करें इसमें। ओके सर, ठीक ठीक है। और कोई चीज? अस्सलाम वालेकुम सर, ये सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जी जी वालेकुम सलाम। सर, क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्यूरी थी। जी जी बताएं। इससे क्वेश्चन नंबर 2 में वो लैंड का जो ट्रीटमेंट है ना, ये नहीं समझ आ रहा। लैंड का ट्रीटमेंट इसमें था क्या, मुझे ये बताए ना, लैंड इसमें सेल ऑफ लैंड। अच्छा ये यस सवाल मैंने सर। नहीं इसमें पेस्ट किया, मेरा एक मिनट में सवाल बेटा पेस्ट कर लूँ इसके आगे, अब सवाल मुझे निकालना पड़ेगा, रुकिए मैं सवाल निकालता हूँ, मैं तो बहुत आगे चला गया था तो अभी तो आप बहुत पीछे हैं। सर बाकी क्वेश्चन हो गए थे, इसमें बस हाँ एक छोटी नहीं, बात कोई नहीं बात नहीं, प्ले करनी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो क्वेरी क्वेरी तो किसी भी सवाल में हो सकती है ना, ये तो कोई मसला नहीं, डोंट वरी। सवाल पे ना आप लोग घबराया करें, सवाल जितने मर्जी करें। वो ज्यादा क्या होगा, नहीं आता होगा ना, बोलूंगा नहीं आता जी, कल बता दूंगा, मैक्सिमम यही आंसर होगा ना मेरा, इसके अलावा क्या आंसर होगा, मैं कौन सा यहाँ परफेक्ट बैठा हूँ। जी जी बेटा पूछे, अब ये आगे सामने आपके, अब ये क्या पूछ रही है? सर ये देखिए, लैंड जो थी उसने कहा था कि लैंड सेल किया एट कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट उसने हमें ये नहीं बताया था कि किस कॉस्ट पे किया, तो हम ये कॉस्ट थे ना, आपने सॉल्यूशन में कॉस्ट 25,000 दी हुई है, तो कॉस्ट हम 75,000 क्यों नहीं लेंगे? बेटा देखें, 25,000 पहले मेरे आपके पास 1 लाख की थी और अब 75,000 की रह गई है, तो कितने की बेची है आपने? 25,000 की, और क्या पूछना है ब्रा, ठीक है ठीक है फिर, एक थैंक आपके यू पास, आपके पास 4 लैंड की 25-25 की 4 लैंड थी, उसमें से आपने 1 लैंड बेच दी, तो जो बेची है वो कॉस्ट पे बेची है ना, इसका मतलब है कि कोई ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। यस सर, ठीक है जी। बाकी सारे सवाल 14 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने? नो सर, अभी तो 8 हुए हैं। चलो 8 हो गए ना बस, ठीक। ये इस वक्त जितनी हमने डिस्कशन कर ली है ना, ये सारे के सारे 14 क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो ये कोई मसला बड़ा मसला नहीं है, वो छोटी मोटी क्यूरी हो सकती है, वो आप जरूर पूछें, क्यूरी पूछने में मना नहीं है, क्यूरी आप पूछें, मैं इसीलिए आज की जो क्लास है ना वो रखी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है, नहीं तो फिर आज हम अपना डेफर टेक्स स्टार्ट कर देते हैं। जी सर, जी जी सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 17-2A है उसमें नहीं नहीं कंपनी का नाम बताएं, कंपनी का नाम बताएं। सर आई थिंक सिम्पसन्स है शायद। सिमंस, ओके, सिमंस कंपनी में क्या हुआ है? सर उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैलकुलेशन हो तो गई थी, लेकिन ना एक बार आप उसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हर क्वेश्चन डायरेक्ट में, डायरेक्ट में, ओके डायरेक्ट में बेटा ये है कि आपका जो इस वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना वो है 188, ठीक है,
और आई थिंक के 188 के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, एक मिनट देखने दे मुझे, यस डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो 188 में से बेटा माइनस करें डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ना, ये बेटा ये फॉर्मेट जो मैंने बताया ना आपको, ये फॉर्मेट आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पैट याद रख लेना है, ठीक है, और ये फॉर्मेट आप थोड़ा सा को याद करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास गुजारा कोई नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना, वो गुजारा इसलिए नहीं है कि जो टी अकाउंट अप्रोच है ना ऑपरेटिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है, तो अब देखें इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखें तो आपका जो 188 में से माइनस करें बेटा 21 कितना आएगा, वन सिक्सटी सेवन आ गया। अच्छा आप ये देखें कि इधर आपके पास जो इसके जोड़े हैं ना, एक जोड़ा इसका ये प्रीपेड वाला जोड़ा है और एक जोड़ा यहाँ पे आई थिंक मुझे नजर आता है सैलरीज पेबल वाला जोड़ा है, ठीक है, तो हाँ अक्रूड एक्सपेंसेस है ना, ये भी अक्रूवल्स कहलाते हैं, तो ये मुझे बताएं प्रीपेड इंश्योरेंस में कमी हुई है, कमी को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है माइनस करें, कमी 1000 की है ना जी सर, हाँ वो माइनस करें 1000 की कमी, 166 हो गया 166। हाँ अब उसके बाद आप ये जो सैलरीज पेबल है ये ऐड हो जाएगा, हाँ ये 2000 है, ये हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक दो चीजें और मुझे देखने दें, इसके अंदर आई थिंक हाँ हाँ वो भी होगी, इसके अलावा इसमें देखें इसमें तो उसने गेन को अपडेट किया हुआ अंदर, एक मिनट में वो भी देखो उसने गेन इंक्लूड ना किया उसके अंदर, ये मैं देख रहा हूँ इसने बताया होगा कि ना कि गेन के बारे में, यस ये देखें, यस यस ये देखें गेन के बारे में बताया हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो गेन इसके बाद इसमें इंक्लूड है 39। अच्छा इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि सैलरीज का की अलग पेमेंट निकाल लें, ठीक है, और अदर ऑपरेटिंग 39 निकाल लें, चलें इसको पार्शियली भी हम क्योंकि उसने ब्रेकअप दे दिया ना इसका हमें, ठीक है, तो हम इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे कि आप पहले सैलरीज का कैश कैश निकालें, सैलरीज पेबल का टी अकाउंट बनाएं जी, जी सैलरीज पेबल सैलरीज है 134 की, इसके बाद अगला जो एक्सपेंस आपको दिया हुआ है इसके अंदर डेपिसिशन वैसे इग्नोर करना है, उसके बाद ये अदर ऑपरेटिंग है, तो अदर ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो प्रीपेड के बारे में बताया हुआ है कि वो अदर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ये देखें पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपेड, अब देखे ना इस क्वेश्चन में ये भी आ गया कि आपको एक्सपेंस वाइज अक्रूवल्स और प्रीपेड्स के बारे में बताया जा रहा है, ये मैंने आपको बताया ना कि अगर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो आप आइटम वाइज भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो अब प्रीपेड चूंकि कम हो रहा है इट मीन्स कि ये एक्सपेंस 38 का एक्चुअली, तो 38 इसमें ऐड कर दें, ठीक है, इसका टी अकाउंट बना के देख लेना बन जाएगा 38 ही आया बेटा, 38 ऐसे आया टी अकाउंट बनाया प्रीपेड का, आपने इसको प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर एक डाल दिया अदर ऑपरेटिंग टोटली, हां प्रीपेड जी जी ऐसी है प्रीपेड के तो डाल दिया ना, है प्रीपेड का अमाउंट कम हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो आपका अदर ऑपरेटिंग है ना, अदर ऑपरेटिंग प्रीपेड है सारा, तो देखिए ना आपका प्रीपेड ओपनिंग 3000 था लेकिन क्लोजिंग 2000 है, इट मींस कि जो आपने एक्सपेंस बुक किया है ना उसमें से 1000 वो है जिसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई है, कि तभी तो ये प्रीपेड कम हो गया, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे 38 क्लोज नहीं आ रहा प्रीपेड से, नहीं नहीं ये देखिए मैंने ये जो नीचे लिखा हुआ है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 39 और नीचे पॉइंट नंबर 2 बता रहा है
कि प्रीपेड इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये हुआ कि जो 39 एक्सपेंस बुक हुआ है ना, इसके अंदर 1000 प्रीपेड रिमूवल भी है, तो प्रीपेड रिमूवल के अगेंस्ट तो कोई पेमेंट ही नहीं हुई होती ना, ठीक है, प्रीपेड के अगेंस्ट तो कोई पेमेंट ही नहीं ना हुई होती, प्रीपेड के अगेंस्ट आपने क्या एंट्री पास की होती है, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, तो आपने एक्सपेंस को डेबिट किया लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कैश क्रेडिट नहीं ना किया हुआ 1000 रुपए के अगेंस्ट, तभी तो ये प्रीपेड कम हो गया 1000 रुपए से। आप प्रीपेड की ना एंट्री जेन में लेके आए कि प्रीपेड अगर किसी एक्सपेंस को प्रीपेड को एक्सपेंस में कन्वर्ट करना होता है तो आप एंट्री क्या पास करते हैं, आप एंट्री पास करते हैं एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। यहाँ देखें, यहाँ प्रीपेड क्रेडिट हुआ है ना 1000 से, यानी कम हुआ हुआ 1000 से, ठीक है, इट मींस के कोई एक्सपेंस ऐसा है जो आपने बुक तो किया है लेकिन 1000 रुपए का उसके अगेंस्ट कैश नहीं आउटफ्लो हुआ हुआ, इसीलिए वो आप प्रीपेड के टोटल एक्सपेंसिस में से माइनस कर देंगे, 39 के अगेंस्ट 38 ऐसा एक्सपेंसिस है कैश आउटफ्लो है, तो ये दोनों को आप ऐड करें बेटा कितना आएगा 38 और 136 174 ये टैली हो गया। जी और कोई सवाल, किसी ने अगर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो एमसीक्यू में भी सवाल पूछ सकता है, वो एमसीक्यू भी मैं ओपन कर लेता हूं, बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं लेकिन एमसीक्यूज सॉल्व जिसने भी किए हैं वो तो मैं किसी ने किए नहीं होने, टाइम ही लगा होना ये करने का क्योंकि इतने ज्यादा सवाल थे। सर ये जो बेट एंड टैकल वाला क्वेश्चन है इसमें बैंक लोन का जो है ना सर उसने बताया नहीं होगा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, तो फिर इसको हम क्या अज्यूम करेंगे? नॉर्मली बैंक लोन जो होता है ना, लोन का जो कोई वर्ड है ना वो लॉन्ग टर्म कनोटेशन रखता है, ठीक है, लोन ऐसा नहीं होता कि वो शॉर्ट टर्म होता है, लोन नॉर्मली जो है ना ये लॉन्ग टर्म कनोटेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि गिवन ना हो तो फिर सर लॉन्ग टर्म ही कंसीडर करेंगे? हाँ देखें, क्योंकि देखें ना ये जो कुछ स्पेसिफिक अब जो डिबेंचर्स हैं लोन्स हैं, ठीक है, इस तरह ये जो ये चीजें हैं ना ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ऐसा ये भी नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ना क्लैरिफाई कर देगा आपको, ठीक है। चलो अगर शॉर्ट टर्म, अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो क्या करते आप? शॉर्ट टर्म के तौर पे ट्रीट कर देते। वो क्या है, वो क्या ट्रीटमेंट है शॉर्ट टर्म का? अगर ये शॉर्ट टर्म हुआ तो वो तो फिर वर्किंग कैपिटल आइटम हो गया, उसको फिर आप ये ऊपर वाले पोर्शन में वर्किंग कैपिटल में ट्रीट करोगे, और अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो एग्जाम में आपने नोट जरूर डालना है कि मैंने इस बॉन्ड को शॉर्ट टर्म ट्रीट किया है, लेकिन इस वक्त ये जो बैंक लोन पेबल है ना, ठीक है, इस चीज को शॉर्ट टर्म ट्रीट करने का ना कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही, अगर आप कर देते हो ना तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज आए ना तो वो आप करके उसके अंदर क्लैरिफिकेशन डाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी ना, तो वो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ये तो सवालों के अंदर जरा एम्बिग्युटी होती है, इतनी एम्बिग्युटी प्रैक्टिकल लाइफ में होती नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने हर चीज को एविडेंस के तौर पे लेना होता है ना, तभी तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, वरना तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी 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 सर, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत मतलब कि उसकी मैच्योरिटी डेट हो 3 माह हो या 3 माह से कम हो तो सर उसको हम फिर उसको आप कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाएंगे, उसको कैश आइटम कंसिडर करेंगे, उसको भी आप क्या करेंगे उसके ओपनिंग को ओपनिंग कैश में ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग को क्लोजिंग कैश में ऐड कर देंगे, और फिर उसका ट्रीटमेंट नीचे दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो हाईली लिक्विड कैश इक्विवेलेंट्स है ना, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं ये, जो हाईली लिक्विड और गवर्नमेंट ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं या जो मल्टीनेशनल के स्टॉक्स होते हैं ये हाईली लिक्विड होते हैं और ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि ये फॉरन ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर आप इनको कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, इसीलिए तो आपने जो वर्ड लिखते हैं ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्ड लिखते हैं, आप एक वर्ड नहीं लिखते, आप लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
तो जो कैश इक्विवेलेंट्स है, ये आपने जो एग्जांपल दिया ये उसी एग्जांपल है कैश इक्विवेलेंट्स। सर जी जी सर, विल्सन इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट्स नंबर 6 और 7 डिस्कस करिएगा। विल्सन, बढ़िया आगे पहुंच गए आप माशाल्लाह, वेरी गुड। यासिन साहब सर निकाले ही वही क्वेश्चन था सिर्फ, छांट के आखिरी सवाल उठाया कि सारे तो मुश्किल है ही होना है, कर लो सारे हो गए हैं। ये यासिन साहब मैं कह रहा था सर नुआस के लिए लोग एसएमएस भी कर रहे हैं ना चैट। हाँ चलें ठीक ठीक है, चलें ठीक है। ये जिसने भी सवाल किया है ना मेरे भाई ने, ये जरा इस जैसी नमाज पढ़ के आते हैं ना तो 10 मिनट में, तो ये सवाल जरा भी शुरू करें फिर है विल्सन वाला है। ठीक है सर, अभी टाइम हुआ है 5:25 हुए हैं तो 5:35 पर आ जाए आप। हाँ जी आ जाए 5:35 पर। ठीक है जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।
जी क्लास स्टार्ट करें। जी आप क्वेश्चन पूछें अगर आप लोग आ गए। सर रिक्वायरमेंट नंबर 6 और 7, ये जो पॉइंट नंबर 6 और 7 लिखा हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, हाँ इसका ताल्लुक डायरेक्ट से है इनडायरेक्ट से, ये किसमें पूछना है आपने? देखिए अगर आप इनडायरेक्ट की बात करेंगे ना तो रिक्वायरमेंट नंबर 6 तो एक अनअर्न रेवेन्यू है ना, तो ये लायबिलिटी है, तो इसको तो आप वर्किंग कैपिटल आइटम के तौर पर ट्रीट कर लोगे ना, ये यानी 180,000 से बढ़ के ये 2 लाख हो गई है, तो इसको आप वही जैसे मैंने यहाँ पे किया है इंक्रीज इन अनअर्न को आपने ऐड कर दिया, ये वही वर्किंग कैपिटल आइटम के तौर पर हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट मेथड की बात करोगे तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा कि जब आप अपनी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर निकालोगे ना, तो जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर होगी ना उसके अंदर ये जो अनअर्न का भी पोर्शन शामिल है, तो 20,000 से आप अनअर्न का पोर्शन जो है वो एडजस्ट करोगे, यानी अनअर्न के अंदर क्या हो रही है, इजाफा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कलेक्शन ज्यादा की है, ठीक है, 20,000 आपने ज्यादा कलेक्ट किया है तो वो आप ऐड कर लोगे जाके इसके अंदर, जो आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा ना, जब आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा जब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे ना, तो जो कलेक्शन आएगी ना उसके अंदर ही आप 20,000 की कलेक्शन को ऐड कर लेंगे। और जो सातवां पॉइंट है कि पेड ऑफ 1 लाख ऑफ बैंक लोन साइंड ए न्यू नोट, हाँ इसमें ये होगा कि होता बेसिकली क्या है कि आप एक नोट को पे करते हैं और अगले नोट को आप साइन ऑफ करवा लेते हैं, तो ये क्या होता है कि ये वैसे तो ये नेट में क्या है, ये 3 लाख से इंक्रीज हुआ है ना, तो अगर आप इसका भी नेट निकालें तो 3 लाख ही आएगा, ये देखें इसको अगर आप नेट करें ना तो 3 लाख ही आएगा, लेकिन आपने ना कैश फ्लो के अंदर इन दोनों को अलग अलग शो करना होता है, आप ये नहीं कर सकते कि नेट इंक्रीज 3 लाख से लिख लें, हालांकि आंसर तो वही आएगा ना, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आपने पेमेंट को अलग शो करना है और रिवाइज बैंक लोन को अलग शो करना है। उसका रीजन ये होता है कि जो आपका यूजर होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो उसको ये चीज रिक्वायर्ड होती है, वो कैश फ्लो के अंदर मूवमेंट को चेक कर रहा होता है, भाई अगर तो आपने 1 लाख रुपया पे किया है तो आपने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट सॉरी अपनी ऑपरेशन में से कैश जनरेट करके उसको पे किया है ना, तभी आप पेमेंट करने के काबिल हुए हो ना, ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे कि इसको नेट दिखा देते हो तो वो समझता है कि आपने लोन ही 3 लाख का लिया है। जी जो हैंड रेज है क्वेश्चन पूछे सर, इसमें इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड की कैलकुलेशन में समझ आई? बेटा आप ऐसा करें ना, इनकम टैक्स पेबल का अकाउंट बनाए और इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाए, इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट दिया हुआ है, दोनों के अकाउंट बनाए ना जरा, दोनों के टी अकाउंट बनाए जरा, ये मैं बनाता हूँ टी अकाउंट, ये टी अकाउंट ये बन गया, ये एक वाला और ये दूसरा वाला टी अकाउंट, चलें जी, तो ये पहला वाला टी अकाउंट है जी इंटरेस्ट पेबल, और दूसरा टी अकाउंट है इनकम टैक्स पेबल। तो बेटा हमारा कुलिया क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने करें जी, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 15,000, क्लोजिंग क्या है, 25,000, ये क्लोजिंग आ गया, और इस तरीके से इनकम टैक्स का ओपनिंग क्या है, सवाल करने वाली खातून गायब हो गई है, किधर हैं, ऑन पे रहे हैं, यहीं पे रही हूं बेटा, ये इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग अकाउंट कितना है, 25,000 ओपनिंग और 40 क्लोजिंग, हाँ 40 क्लोजिंग, ठीक है बेटा, अब आपने जो एक्सपेंसेस बुक हुए हैं वो आपके इनके क्रेडिट साइड पे पुट कर दें, क्योंकि वो क्रेडिट ही हुए होंगे ना, लायबिलिटी तो क्रेडिट हुई होगी ना, तो एक्सपेंसेस कितना है, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है, 85 आई गेस, 85, हाँ जी वो 85 आ रहा है, इंटरेस्ट 85 आ रहा है ना, अब इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालें,
यहाँ पे जो मैं ये शेड कर रहा हूँ येलो शेड, यहाँ बैलेंस फिगर क्या आएगी? 75. ये 75 हो जाएगा और ये 20,000. ठीक है बेटा, तो ये 75 ये रहा और ये 20. जी और भी सवाल? सर ये ऑनलाइन रेवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल में क्यों गया है? चाहे वो कलेक्शन ऑफ कस्टमर से ही कलेक्ट किया है लेकिन वो रिसीवेबल तो नहीं ना थे, वो तो अलग इनकम नहीं थी? नहीं नहीं अनर्न इनकम होता क्या पहले बताएं, अनर्न इनकम की एंट्री क्या होती है? तो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाती है अनर्न रेवेन्यू से. डेबिट क्या, डेबिट क्या होता है? डेबिट कैश डेबिट होता है. तो कैश डेबिट का मतलब कैश इंक्रीज होता है ना सर. ठीक है, तो उसको अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में डाल दें. अकाउंट रिसीवेबल में नहीं डाल रहा है. मैंने अकाउंट रिसीवेबल कहा ही नहीं है. मैंने कहा है कि जो कलेक्शन कंप्यूट होगी ना उस कलेक्शन को आप अनर्न से एडजस्ट कर लें. ठीक है, अनर्न से एडजस्ट कर लेंगे ना भाई. अगर आपने कलेक्शन निकाली है लेकिन कुछ ऐसी कलेक्शन है, ये कुछ ऐसी कलेक्शन आ रही है जो कि अनर्न से एडजस्ट हो रही है, तो वो आप माइनस कर देंगे. अगर अनर्न बढ़ रहा है तो आप ऐड कर लेंगे. अनर्न बढ़ना ऐड, जी अनर्न जब बढ़ रहा होता है ना, इसका मतलब ये कि आपने कलेक्शन ज्यादा की है लेकिन आपकी वो इनकम में रिफ्लेक्ट नहीं ना हुआ, तो आप उसको पहले, आपने तो कलेक्शन निकालनी है, चाहे वो कलेक्शन रेवेन्यू के अगेंस्ट बुक हुई है या नहीं हुई है, आपने तो कलेक्शन निकालनी है. Okay, sir. ये डिविडेंड 250 नहीं, 250,000 नहीं? मैंने कितना लिखा हुआ है? आपने 235 लिखा. तो कैसे 250 कैसे आएगा? सर ये अपना रिटेन अर्निंग का ओपनिंग प्लस जो नेट इनकम है माइनस क्लोजिंग. करें, इनकम कितनी है? इनकम है 120,000. 120 में ऐड करें 1408,000. 15,28,000. उसमें से माइनस कर दें 2,50,000. आपने कैसे सर ये लिख दिया? कॉपी किया? चलिए कॉपी किया आपने? मजाक कर रहा है यार तेरा, मेरा मजाक है कहीं? दो सर एक मिनट देख लेता हूँ, गलती हो सकती है. अगेन सॉरी. नहीं नहीं, तो मैंने तुझे आज थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं कौन सा परफेक्ट. 235 है ना ये. ओके, रिटेन अर्निंग 1408 में नेट इनकम. हालांकि आप बात तो सही कर रहे हो यार, इसमें ना एक क्वेश्चन के अंदर ना गलती थी. जी इस क्वेश्चन के अंदर ना एक गलती थी, वो मुझे आइडेंटिफाइड करने दें कि उसके अंदर टोटल ठीक नहीं था. मैं एक मिनट वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करता हूँ. शायद ये वही क्वेश्चन है, एक मिनट जरा मुझे टाइम दे. हाँ, उसमें ना जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तो मुझसे भी ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर क्या किया, उसको देखा कि यार ये तो डिफरेंस नहीं टैली हो रहा, तो ये इसकी वजह से फर्क है. एक मिनट जरा वो मुझे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है. अपनी पटारी में खोलूं जरा. ये क्वेश्चन किस कंपनी का है? सही, विल्सन इनकॉर्पोरेशन. विल्सन, हाँ जी, विल्सन के अंदर आप लोग बाकी क्वेश्चन जरा निकालें, देखें जरा, मैं ये इसको देख रहा हूं जरा.
यार सीधी सीधी बात है, ठीक है ठीक है सही, ओके आप देखें कि बैलेंस शीट के अंदर ना डिविडेंड का जोड़ा भी है, डिविडेंड पेबल भी दिया हुआ है 15,000 है सर उसका। हाँ तो वो देखे ना, 15,000 हाँ आपने बेसिकली किया क्या है कि जो 15,000 से डिविडेंड पेबल इंक्रीज हुआ है ना वो आपने डिविडेंड रिकॉर्ड तो किया लेकिन आपने पे नहीं किया हुआ, तो वो आप माइनस कर दोगे ना, ये है मसला इसका, ठीक है। हाँ वो पता लग गई है ये, ठीक है जी। कॉपी नहीं किया मैंने, ये देखो ये है, ये देखो ये डिविडेंड पेबल का अकाउंट भी आ रहा है बुक्स के अंदर 65,000 और 50,000, ये जरा मैं ब्रीक कर दूं इसको। इसलिए फैट फार्मूला नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना विल्सन का ये बड़ा जो है ना कहते हैं उसको जीरे स्टूडेंट है जिसने ये सिलेक्ट किया है, उसने पहले ये सवाल सॉल्व कर लिया, अब इसके अंदर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं, इससे पीछे जितने भी सवाल है ना वो सारे इससे हल्के हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो बाकी सारे सवाल इजी हैं। गुड ट्रिक, अच्छा ऐसा है कि आज ना मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, उसका रीजन ये है कि अभी कैश फ्लो के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके अंदर अभी ये कुछ काफी स्टूडेंट ऐसे हैं मुझे क्वेश्चन से आइडिया लग रहा है कि उन्होंने भी ये सवाल किए ही नहीं है, ठीक है ना। जरा मुझे हैंड रेस करते हैं जिन्होंने इसमें से कोई भी सवाल नहीं किया, प्लीज ओपनली जरा हैंड रेस करें ताकि मैं कुछ डिसाइड करूं। जिन्होंने एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया कोई बात नहीं, वो हैंड, वो टाइम ना नहीं मिल सकता जी जी, देखिए ना हमारे मुझे इसके इसके ऊपर बिल्कुल फेयर फीडबैक दें, जिसने एक दो किए बस ज्यादा नहीं किए वो भी रखें, जिसने एक दो सवाल अटेम्प्ट किए हैं हाँ देखें ये भी ज्यादा है, अब ये आधी क्लास चली गई। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 8 के 8 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, यानी 14 के 14 अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा माशाल्लाह उमर मुकी कायनात नहीं, अच्छा नहीं बस एक स्टूडेंट ने किए पूरे जी, हमाद अली भट्टी ने किए 8 सवाल पर, और बस नहीं, किसी ने अटेम्प्ट किए 8 के 8 सवाल, ओके इसका मतलब ये है कि काफी मेजोरिटी ऐसी है, अगर आप देखें तो 50% एटलीस्ट हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी फेयर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की नहीं है। तो अगर मैं अभी इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड शुरू करता हूँ तो वो फिर ठूसने वाली बात ही होगी, क्यों यासीन साहब? जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं टाइम नहीं सर थोड़ा सा सर जी इंशाल्लाह। हाँ नहीं नहीं मैं मुझे मुझे खुद अंदाजा है क्योंकि मैं सारे प्रोसेस का पार्ट भी रहा हूँ और इससे निकल के भी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुद अंदाजा है कि आप लोग, मुझे कल एक आज सुबह एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो संडे के ऊपर को बात कर रहे थे, बिल्कुल वैलिड है और मैं 100% इनसे एग्री करता हूँ कि बहुत ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। इवन के अब देखे ना ये बच्चे ने सवाल किया कि ये 2.5 लाख है, तो एक मिनट के लिए मैं भी हो गया यार वाकई 2.5 लाख सही कह रहे हैं, लेकिन जब उसको मैंने थोड़ा सा देखा है तो समझ आ गई हाँ जी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ चीज़ें क्लियर होती हैं, सिर्फ पढ़ लेने से वो नहीं होती। तो इसका इसका ये है कि अभी आज की क्लास के अंदर ना मैं क्लास ख़त्म नहीं कर रहा, मैं क्लास ऑन पे ही हूँ, कैश फ्लो के वाले से ना एक दो क्वेश्चन मैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं या जो MCQs हैं वो डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजीद डेवलप, बल्कि ऐसा करते हैं कि सारे MCQs हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये ज्यादा बेहतर है यासीन साहब? जी सर ठीक है, जी सर जी बेहतर है, क्लास के अंदर सारे MCQs इतने MCQs ताकि आपको ना एक दफा देखिए ब्रॉड ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ब्रॉड कैलकुलेशन समझ में आ गई है, लेकिन अब क्या होता है कि आप स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर जब आप जाते हैं ना तो वहां जाके आपको क्वेश्चंस को टैकल करने में थोड़ी सी भी ये होता है कि प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उस केस में फिर आप अच्छा एक इससे एमसीक्यू जाने से पहले ना
आपके लिए मैं काम में इजाफा कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमारा जो सेशन होगा ना वो होगा मोस्ट प्रॉब्ली मैं इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड शुरू करूंगा, क्योंकि वो जरूरी है। कल तो क्लास ही नहीं है। कल क्या है? कल, हाँ कल है, परसों नहीं है। हाँ जुम्मा हफ्ता नहीं है। ठीक है, तो जुम्मा हफ्ता कल क्लास नहीं है? नहीं कल होगी, कल होगी। मैंने आपको सुबह शेड्यूल भेज दिया था क्लास का। अच्छा, उससे पहले ना मैं चाह रहा हूँ कि ये जरा आप नोट करें, ये मैंने आपको ना शेयर्ड फोल्डर, अच्छा शेयर्ड फोल्डर मेरा ना आप देखा करें, उसके अंदर मैं चीजें डेली बेस पे ऐड कर रहा हूँ। और एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर पॉसिबल हो तो संडे की क्लास मॉर्निंग में हो सकती है? सर होनी नहीं चाहिए, आप मॉर्निंग का कह रही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ये खीर वाली खातून है। जी सर मैं खातून हूं। अच्छा वही खातून। अच्छा देखें सर, ये ना वैसे संडे वाले वैसे ही घर वाले कहते हैं कि आप हॉस्टल में रहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, उनको बताएं कि हम किसी आम इदारे के तालिबे इल्म नहीं है, हम एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तालिबे इल्म है जो हमें सीएफओ सीईओ की ट्रेनिंग दे रहा है, और सीएफओ सीईओ जो है उसकी छुट्टी नहीं होती है। वो 24 आज तक अपने वाली साहब को नहीं समझा पाया कि मेरे 4 में से 3.7 नंबर आए हैं। वो कहते तू पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, नंबर है संडे को घर से छुट्टी नहीं होती सर। Exactly, मुझे पता है यार, मैं मेरी बात सुने, मैं भी मुझे पता है कि ये सारी सिस्टम चलता है, तो फैमिली के साथ साल का बच्चा ये नहीं समझता कि उसकी अम्मा क्या बन रही है। हाँ नहीं मुझे पता है, उसको उसके उसके बड़ों को समझाए ना, उसको समझाने उसके बड़े को समझा दे, ठीक है, उनके बड़ों के हवाले करें उसको थोड़ी देर के लिए। सर माशाल्लाह से ट्वेंस हैं दोनों किए हुए, अब तो घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। चलें जी माशाल्लाह। अच्छा जी चलें जी, ये अच्छा असल में ऐसा है कि जो संडे की ये ना बस 27 जून तक हमारा सेशन चलना है, उसके बाद हमारा सेशन क्लोज है, तो उसके बाद मेरे पास मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कुछ सर फिर प्लीज मॉर्निंग में कर लें ये क्लास, ताकि मॉर्निंग में मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा। हां मॉर्निंग में मैं रिक्वेस्ट, मैंने तो उनसे कहा था कि सुबह ये मुझे या तो 10 से 1 दे दें या 2 से 5 कर दे, ठीक है, तो 10 से 1 वाली मॉर्निंग में कर लें आप। 10 से 1 बिल्कुल ठीक है, 10 से 1 ठीक है सर। हाँ 10 से 1 वाली टाइमिंग, ये 2 से अभी देखें, ये मैं उनको ऑप्शन दूंगा, कंफर्मेशन नहीं है उनकी तरफ से, उन्होंने स्लॉट्स असल में बुक की हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारी स्लॉट्स ये डिफाइंड है, तो हम स्लॉट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल मैं उनसे बात करूंगा कि अगर मॉर्निंग की स्लॉट हो सकती है किस तरीके से तो मॉर्निंग स्लॉट कर दें। फिल वक्त तो है ना, अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं हमारी तरफ से छुट्टी ही है सर, लेकिन इसको संडे को 10 से 1 कॉर्पोरेट लॉ के वो है क्लास जो है। वो कौन सी क्लास आ गई है वो? सर वो जो उन्होंने रखी है रिवीजन के लिए क्लास है कॉर्पोरेट लॉ में। जी वो 10 से 1 इसीलिए फिर वो तो आप एक दो स्टूडेंट की। अच्छा वो सब की है या एक दो की है? सर उन्होंने वो दिया था कुछ लोगों को ऑप्शन जो लेना चाहे। देखें फिर ये है, हम करेंगे कि संडे की जो क्लास है ना वो तो फिर जब जिस टाइम पे फिर अब आईसी में मैं अलाउ करता है उस टाइम पे रखेंगे। अब फिर ये कि जो उस टाइम पे आ जाएंगे बिस्मिल्लाह है, तो उस दिन ये करेंगे कि हम प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, जैसे ये चीजें है सर। 10 से 1 बजे वाली क्लास उनके लिए है जिन्होंने जून अटेम्प्ट में अपीयर होना है, उनके लिए रिवीजन क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम में से तो मेरा ख्याल कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जून में अपीयर हो रहा है। हाँ जून वाली तो अभी बहुत कहानी दूर है। चले ये कल डिस्कस कर ले, कल भी वो दिन है ना, कल मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ कि मैं सुबह की स्लॉट दे दें 10 से 1 वाली या 2 से 5 दे दे, चले 2 से 5 भी स्लॉट सही है जी। वो खातून को 2 से 5 मंजूर है, ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग जो है कोई किसी को तराज तो नहीं है सर? 10 से 1 ठीक है, 2 से 5 नहीं ठीक ना। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, पता क्या होता है, 10 से 1 ठीक है, मेरी बात सुने, पता क्या होता है, जब आप ऑप्शन देते हैं ना ये कर लें, फिर आधी क्लास इधर हो जाती है, फिर आधी इधर होती है, आधी इसीलिए ना एग्जेक्टिव ऑर्डर आते हैं फिर, ठीक है, और जो टाइम दिया वही ठीक है। हाँ देखिए पता क्या होता है,
जब आपको कहे ना कि जी ये वाला टाइम ठीक है या बताए ये वाला टाइम ठीक है, तो क्या होता है क्लास के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है, आधे ग्रुप चले जाते हैं इधर आधे यहाँ चले जाते हैं, फिर क्या होता है अल्टीमेटली ना इधर होती है ना उधर होती है बल्कि एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाते हैं। तो फिर अभी जो है ना उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर ही तरह से दिया हुआ है कि जी जो हमारी 5 से 8 वाली टाइम है ना वो ही चलाएं, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया। बर अभी मैं कल उनसे डिस्कस करूँ फिर बता दूंगा। अच्छा ये आपके सामने मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का ना ये जो पास पेपर का एक एनालिसिस निकाला है, और उसमें अगर आप देखें तो कैश फ्लो के क्वेश्चन तकरीबन हर अटेम्प्ट के अंदर आए हुए हैं, और एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम यानी अमाउंट ऑफ मार्क्स के 17 नंबर 22 नंबर 3 नंबर 20 नंबर 20 नंबर और 15 नंबर। अगर आप देखें ना थोड़ा सा मैं अगर इसको स्मॉल करूँ तो हाँ जी मैंने सॉरी ऊपर ही था मैंने इसको नीचे ले गया सॉरी। ये अगर आप देखें तो कैश फ्लो का क्वेश्चन ये और ये फाइनल अकाउंट्स का सवाल यानी जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सवाल है, अगर आप इन दोनों को सम करें ना तो ये 27 और 15 43 20 ये 44 45 38 40, तो ये जो तकरीबन हमारा 50% के करीब पेपर था ना वो इन दो सवालों के जरिए आ रहा था, अगर आप पास में रिटन एग्जामिनेशन को जरा इवेलुएट करें। और ये दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि हर टर्म में रिपीट हो रहे थे। अच्छा इसलिए मैंने किया क्या है कि मैंने आपको जो आपका शेयर्ड फोल्डर है ना उस शेयर्ड फोल्डर के अंदर मैंने पास पेपर्स रख दिए हैं और मैंने आइडेंटिफाइड कर दिया है कि ये पास पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है और उसके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन निकालूं जो बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का है फॉल 19 का, तो ये फॉल 19 मैंने ये ओपन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5A है ये कैश फ्लो का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5A कैश फ्लो का है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूं तो इसमें देखें कि उन्होंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है, उसके नीचे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दी हुई है और अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए 15 नंबर का सवाल है और ये सवाल जो आपने भी ये 8-12 सवाल कर लिए ना, जितने भी 8-12 सवाल कर लिए, उन 8-12 सवालों के अंदर मोर ऑर लेस ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, सिवाय इसके अंदर एक दो की एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट क्या है कि जैसे कि इम्पेयरमेंट लॉस है, और इम्पेयरमेंट लॉस मैंने आपको बताया था कि इम्पेयरमेंट लॉस भी हमारा एक नॉन कैश आइटम है जो कि डेप्रिसिएशन की तरह एड बैक हो जाएगा, जो कि ये मेरा जो हैंडआउट था ना उस हैंडआउट के अंदर जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल पहले जो मैंने आपको ऐड डिलीट आइटम बताए हुए ना उसके अंदर मैंने इम्पेयरमेंट का वर्ड भी आपको यहाँ पे शो किया हुआ, देखेंगे इम्पेयरमेंट का वर्ड भी है कि जहाँ पे डेप्रिसिएशन को मैंने ऐड बैक किया हुआ है ना ये देखें वहाँ पे एमोर्टाइजेशन और एक्सपेंस और इम्पेयरमेंट भी एडेड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉल 19 का है इसमें सिवाय इस इम्पेयरमेंट के और कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको ना आती हो, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें हैं, लोन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी है और ये अदर इनकम, ये जो ये कैरिंग वैल्यू सारी हर चीज दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा इसके सॉल्यूशन भी मैंने साथ में रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ इनके सॉल्यूशन भी उधर शेयर फोल्डर में रखे हुए हैं। तो ये आपके पास जुम्मे हफ्ते का टाइम आ रहा है, अगर आप इसको कल तक ना कर सकें इन सवालों को तो ये कैश फ्लो के ये 6 सवाल हैं कि आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं, इससे ये होगा कि ये आपकी प्रैक्टिस मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास देखिए 14 सवाल आपको मैंने क्लास में सॉल्यूशन दे दिया, 6 सवाल ये हो गए, 20 सवाल जो है ना ये मोर देन इनफ है आपके लिए इस टॉपिक के लिए, मतलब अगर आप 20 सवाल ये वाले अटेम्प्ट कर लेते हैं और साथ में वो जो MCQ में भी करवाऊंगा वो कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाहर से कोई चीज होगी, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। 100% तो मैं फिर भी नहीं कहूंगा क्योंकि परफेक्शन तो कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी 90-95% चीजें कवर इसमें हो जाएंगी। तो ये एक सवाल भी आप जरूर अटेम्प्ट करें इनके, ये मैंने आपको स्पेशली और मैंने किसी टॉपिक के लिए आपको पास पेपर के रिटर्न क्वेश्चन में नहीं कहा, सिर्फ ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल ऐसा वाहिद है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पास और एक इनकम टैक्स का होगा, ये दो टॉपिक ऐसे हैं इनकम टैक्स का और कैश फ्लो का जो पास पेपर्स के अंदर बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं और इंतहाई कॉन्सेप्चुअल सवाल उन्होंने इसमें टेस्ट किए हुए हैं और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी,
ठीक है जी। तो ये अब हम एमसीक्यूज ओपन करते हैं, ये आप पेज ओपन कर लें। सर गवर्नमेंट ग्रांट के बता दें सर जी, वो किसमें आएगी? गवर्नमेंट ग्रांट के अगेंस्ट पैसे तो रिसीव होते हैं ना आपको, तो वो तो कैश इनफ्लो है, बिल्कुल है, ठीक है, और वो एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, अब अगर अगर आपको ये नहीं बताया हुआ कि गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू के अगेंस्ट है या वो कैपिटल ग्रांट है, ठीक है, तो वैसे ये बताया होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल ग्रांट है रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ग्रांट है तो फिर उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस मिले जाएंगे, अगर वो कैपिटल ग्रांट है तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिले जाएंगे। ये दोनों में ऐड ही होगा सर? हाँ जी, ग्रांट रिसीव तो कैश, तो देखिए आप उसकी जनरल एंट्री पास करें ना, कैश डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट या डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ओके जी, ये कैश फ्लो का अगर आप देखें तो पेज नंबर 205 पे है जी ये कैश फ्लो, ये मैं खोलता हूं। अच्छा, इस पर आप ना अटेंटिव रहना जरा, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, बड़े आसान सवाल होंगे, लेकिन बाद जगह पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। ओके जी, आपके पास अगर हार्ड कॉपी है, अच्छा एक चीज मैं अब भूल जाऊंगा, वो मुझे जहन में अभी आ गई है, नमाज पढ़ते हुए के बाद दुआ मांगते हुए जहन में आई थी, ये जो 14 सोल्यूशन मैंने आपको भेजे हैं, जब तक आप हर सवाल खुद अटेम्प्ट नहीं कर लेते आपने सोल्यूशन रेफर नहीं करना, और पास पेपर में भी यही पॉलिसी अपनानी है, बल्कि हर क्वेश्चन में आपने हर टॉपिक में ये पॉलिसी आपने अपनानी है कि जब तक आपने खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना आपने उसका सोल्यूशन रेफर नहीं करना, ये बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि हमने रटना तो नहीं है ना, हमने समझना चीजों। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हमने आज ही करने जी इंशाल्लाह, कोशिश करके। इस तरह डेफर टैक्स के भी एमसीक्यूज हमने इसके सॉल्व करने हैं। ये जो दो चैप्टर हैं इनकम टैक्स और कैश फ्लो, इसके एमसीक्यूज हमने साथ साथ सॉल्व करके ना हमें क्लोज कर देने क्यूरीज। ओके जी, एफ लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर, एट जनवरी 1, 2018 द कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल इज कंसिस्ट ऑफ 50,000 शेयर ऑफ 1 ईच। During the year ended 2018, company has made a bonus issue of 1 for 5 share. अच्छा, bonus issue क्या होता है जी? Bonus issue होता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को फ्री कैश दे देते हैं, सॉरी फ्री शेयर दे देते हैं, उसके अगेंस्ट कोई कैश इनफ्लो नहीं होता, यही होता है ना बोनस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वट इज द इम्पैक्ट ऑफ बोनस शेयर ऑन कैश फ्लो? बैंक बैलेंस एट द ईयर एंडेड इज मोर देन द बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया। अब इसका क्या मतलब होगा? अच्छा, लॉस हुआ है आपको, तो कंपनी हैज अलाउड ए लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू इट्स क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। अगर आप लॉन्गर क्रेडिट पीरियड देते हैं तो कैश तो आपका कम होता है ना, कैश बढ़ता तो नहीं है भाई, देखिए ना, अगर आप कस्टमर का पीरियड एक्सटेंड कर देंगे तो मजीद कैश कम हो जाएगा ना आपका, तो ये किसी भी सूरत में ठीक आंसर नहीं हो सकता, ये तो है ही, आपका तो कैश बढ़ गया है ना जी। द कंपनी हैज परचेज मोर स्टॉक, अगर आप स्टॉक इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो आपका कैश तो कम होगा, बढ़ेगा तो नहीं, ये भी नहीं है। द कंपनी हैज मेड अ राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ये हो सकता है। राइट इशू क्या होता है जी? यस, राइट इशू क्या होता है? राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब आप शेयर इशू करते हैं तो वो राइट इशू कहलाता है। अच्छा, इसके ऊपर ना मुझे अब जिमनन बात याद आई है, मैंने कल या परसों की डेट में एक वीडियो अपनी अपलोड किया है शेयर होल्डर में कंपनी अकाउंट्स के हवाले से या कंपनी की बेसिक, वो आपके लेवल पे टेस्ट तो नहीं होगी वो कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके हेल्पफुल जरूर है, तो कभी आपको टाइम मिले तो वो वीडियो जाके जरूर वॉच कीजिएगा। उसके अंदर मैंने ये सारा राइट इशू, बोनस इशू और ये कुछ कंपनी की मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में कुछ डिस्कशन की भी हैं, वो एक हेल्पफुल डिस्कशन है, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल की है, ठीक है। ये राइट इशू के अंदर कैश मिलेगा जी? राइट इशू तो ये होता है ना, राइट इशू कहते हैं इसको, है
कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करते हैं कि जी हमने शेयर इशू करने हैं तो हमसे आप परचेज कर लो, ठीक है, तो वो आप कैश पे इशू करते हो ना, राइट इशू कैश पे ही होता है, बोनस इशू होता है वो फ्री होता है। हाँ एक चीज और है, अगर आप अभी आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है अर्निंग पर शेयर, एक स्टैंडर्ड है ईपीएस, राइट इश्यू के अंदर ना एक एलिमेंट बोनस का भी होता है, ठीक है, लेकिन वो टोटल एलिमेंट बोनस नहीं होता, उसमें नेट कैश इनफ्लो होता है जरूर, ठीक है। वो आईएस 33 जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको पता लग गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो आप अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो यही ठीक लग रहा है मुझे सी, ये डी में तो परचेज किया है ये भी गलत है, सी इज द आंसर। ओके जी, नंबर थ्री, अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, शेयर कैपिटल आपका जो है वो क्या हुआ जी, वो बढ़ गया, बढ़ गया, और शेयर प्रीमियम क्या हो गया जी, लेस हो गया, वो कम हो गया, कितने से ये बढ़ा, कितने से कम हुआ है, 10,000 से ये बढ़ गया, 10,000 से कम हो गया। अच्छा, अब बोनस, अब बोनस इशू, ये बोनस इशू हुआ है जी, फॉर वन फॉर एवरी 10 हेल्ड हैज बीन मेड। अच्छा एक चीज और है, जो आप लॉ की बात कर रहे थे ना किसी दिनों, मैं आपसे डिस्कस करता था शेयर प्रीमियम का एक कुछ यूजेस हैं, जो आपके लॉ के टीचर ने कहा कि अकाउंटिंग टीचर पढ़ा देंगे, उसमें शेयर प्रीमियम का एक यूज ये भी है कि शेयर प्रीमियम से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ये लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही उन्होंने किया हुआ है कि बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, यानी शेयर प्रीमियम को कम कर दिया और कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड कैश फ्लो, सही है जी, जी सॉरी बी, कोई अमाउंट कैश फ्लो में नहीं आया, ये बोनस इशू है, ये राइट कैश जी सर, राइट इशू जब करते हैं उसके अंदर हम इसको एज अ वो कहते हैं तो प्रीमियम वैल्यू पे क्या कहते हैं इसको, पार वैल्यू ज्यादा जब इशू करते हैं, लेकिन हम उससे फेस वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो वैल्यू हम प्रीमियम से ले रहे हैं, सेल रिजर्व से ले रहे हैं, तो फिर उसमें डिफरेंट आएगा ना। नहीं, इस सवाल के अंदर पूछ रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं, जनरल पूछ रहा हूँ सर आपसे। जनरल में ये होता है कि अगर आप देखिए ना, अगर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाऊँ, ये शेयर कैपिटल है, ये 18 है ना, ये रिसेंट है, ये 12,000 था, और ये लेट सपोज 10,000, ठीक है, और ये शेयर प्रीमियम है, ये लेट सपोज 1,000, और ये 800, ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो जो कैपिटल हमारा है वो बड़ा कितने से जी, 2,000 से, वो 2,000 से इंक्रीज हुआ है, तो ये तो 2,000 आ गया, और ये जो हमारा है प्रीमियम कितने से इंक्रीज हुआ है, 200 से, ये 200 से इंक्रीज हुआ है, तो टोटल जो हमारा कैश इनफ्लो है ना वो 2,200 है, ठीक है, टोटल 2,200 कैश इनफ्लो है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल ट्रांजेक्शन है वो 2,000 की है, और जो प्रीमियम पे आपने कैश, कई कैश तो आपने ज्यादा कलेक्ट किया है ना, तभी तो आपने प्रीमियम पे रिकॉर्ड किया इसको, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको 2,200 से इनफ्लो रिपोर्ट करेंगे, पर अगर डिस्काउंटिंग नहीं होगा, डिस्काउंटेड पे शेयर वो माइनस कर देंगे, वो फिर ये 1,800 हो जाएगा, हां जी वो 1,800 हो जाएगा, इनफ्लो में 1,800 हो गई जी, लेकिन हम ऊपर जो शेयर कैपिटल में 2,000 का इंपैक्ट लेंगे, ऐसे ही सर, वो तो देखिए ना, जिस तरीके से हम अपने कोई कोई एसेट सेल करें, उस एसेट की कॉस्ट को भी तो हम प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करते हैं ना कैश निकालने के लिए, सही है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 4 पे, अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन बैलेंसेस, नॉन करंट एसेट्स, ये दिसंबर 31 क्लोजिंग की बात में हम कर रहे हैं, ये 1,25,000 के हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दिया हुआ है 25,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 38,000, ड्यूरिंग द ईयर देन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000, गेन ऑन डिस्पोजल वाज 3,000, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर टू बी एडजस्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जी जनाब बताइए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बनाएंगे जी, बनाइए अकाउंट,
सर बना लिया सर, 20,000 आ रही है। 20 आ रही है तो आपको माशाल्लाह सही है 20,000। चलें देखते हैं जी। नहीं आपका तो सही है माशाल्लाह, लेकिन जो कुछ हमारे हजरात हैं उनके लिए कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या जी? 25,000। सबसे पहले ये कुलिया नहीं भूलना जी आपने कभी भी। ओपनिंग क्लोजिंग रिपोर्ट करें जी पहले। ओपनिंग 25,000 और क्लोजिंग 38 है। अच्छा वही बात कि अब आपको ये पता है कि एक एसेट जो है वो सेल किया है आपने, जिसका कॉस्ट जो थी वो 10,000 थी और 6,000 पे सेल किया है और गेन उस पर जो हो गया वो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6,000 है तो इसके अंदर ये 6,000 के दो हिस्से हैं, 6,000 के दो हिस्से हैं, एक है बुक वैल्यू और एक है गेन। वन इज बुक वैल्यू और वन इज गेन, ऐसे है वो बताएं। गेन कितना है? गेन 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 3,000 है तो बाकी बुक वैल्यू कितनी है? वो भी 3,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट है 10,000 तो और बुक वैल्यू 7 है, 7,000 ये 7,000 यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, तो 20,000 का बैलेंस आ जाएगा। 20,000 बैलेंस आ जाएगा। वो यहाँ पे आपने ये इस जगह पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे निकालने जरा डिफरेंस कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। जनरल क्वेश्चन था, हाँ जी 20,000 दिए। ये जनरल क्वेश्चन था, अगर जो करंट डेप्रिसिएशन देखनी है तो भी हमारी क्रेडिट साइड पे निकलेगी ना करंट डेप्रिसिएशन। ऐसे याद ना करें, एंट्री बताएं क्या होती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन टू क्यूम्युलेटिव डेप्रिसिएशन। तो वही अब पूछना क्या है आपने, सवाल क्या था आपका? ही सवाल था बस, वो आपने बता दिया मुझे कि वो क्रेडिट ही होगी। हाँ जी हाँ जी, इस तरह कभी याद ना करें कि वो इधर होगी या इधर होगी, वो आप एंट्री देखें किधर होती है। हमें बराबर कर दिया इसलिए एंट्री अब हमें याद नहीं रहती। नहीं उसके रूट पे जाया करें, कभी भी देखें चीजों को रटेंगे ना तो चीजें इतनी जल्दी ये अपना रंग तब्दील करती है ना कि आपने घबरा जाना कि यार सर ने तो मैं ये रटवाया था। और ये जो चीजें अपना रंग तब्दील ही ना करती, मैं वो रूल आपको याद करवाऊंगा। जैसे मैंने आपको अभी परसों एक रूल याद करवाया वर्किंग कैपिटल का, इस तरीके से मैं आपको डेफर्ड टैक्स में एक रूल याद कराऊंगा, वो रूल कभी भी तब्दील नहीं होता, वो डेफर्ड टैक्स के अंदर वो पेट रूल है। तो ये जो रूल यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह बन जाते हैं ना, वो आपको मैं याद कराऊंगा। लेकिन अगर ऐसे रूल हैं जो सिचुएशनल होते हैं वो मैं कभी याद नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है? तो इसका आंसर क्या बनता है जी? 20,000 बनता है, सी इज द आंसर। अच्छा जी पांचवा, The company has provided the following information as on March 31. अब देखें ना कितने टेक्निकल सवाल आपके पास आ रहे हैं, हालांकि बड़े सिंपल सिंपल से हैं। रिटेन अर्निंग ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है जी। अच्छा जरा आप ऐसा करें, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएं, जरा रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाए। वो सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद रखना है आपने। 3,000 है जी, डी अकाउंट बना के चल जाएगा मेरा। 3,000 जी बनाए ना, वो बना रहा हूँ ना मैं आपके सामने। मैं इसीलिए आज जरा थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि जो हमारे साथी जरा थोड़ा सा पीछे रह गए हैं वो बराबर वापस आ जाए। सर ये 33,000 आ रहा है। जी जी बिल्कुल आएगा। yes. मैं जरा सॉल्व तो करके दिखाऊँ ना। रिटेन अर्निंग ओपनिंग क्लोजिंग, सबसे पहले ओपनिंग क्या जी? 38,000 और क्लोजिंग है 50,000। ओके ये आपने पुट कर दिया। उसके बाद डिविडेंड पेड है वो कहाँ पे आएगा जी? लेफ्ट पे आएगा राइट पे आएगा? डेबिट पे। डेबिट साइड, डेबिट साइड सर। यस ये डिविडेंड आ गया, डिविडेंड पेड। अच्छा उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी डेबिट साइड पे आएगा? डेबिट। यस सर ये भी डेबिट पे आएगा, जनरल रिजर्व जी आर। अच्छा अब इनकम कहाँ पे आती है? हाँ वो इनकम निकाले, इनकम निकाले पहले, वो आफ्टर टैक्स होगी। यस वो आफ्टर टैक्स होगी, 29,000। लेकिन वो पूछ क्या रहा है हमसे? बिफोर सर टैक्स, बिफोर टैक्स, तो 29 पे टैक्स ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। 33 बिल्कुल ठीक है जी, 33 इज द आंसर। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
A company has provided the following data: receivable opening, receivable closing, credit sale, discount allowed. G. What is the amount to be received cash collected from customer? Yes. Using direct method. T account banaye ji. 59,000 sir. C. क्या पीछे देख के ना बताना. सर मैंने कहाँ से देखता हूँ कैलकुलेटर पकड़ा हुआ देख से कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर जो कंपनियाँ को देने लग रहा था नहीं 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 सही बात है नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल्स नहीं आप लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल हो गए हैं अब सीईओ बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हाँ जी इंशाल्लाह जरूर 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 इंशाल्लाह जरूर बस फोन उठा लेना हमारा जब सीईओ बनो तो जी सर मैं कहना कॉल कॉल रिसीव कर लेना मेरी जब सीईओ बन जाओ सर क्यों नहीं अभी भी सब कम आ गया पता लगे जी वो जी 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 ये ओपनिंग क्लोजिंग पुट करें उसके बाद क्रेडिट सेल जाती है डेबिट साइड पे सर पूछना था कि अगर सीएसएस के एग्जाम देने हो पेपर देने हो तो आईसीएमए के कितने सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद आप पेपर दे सकते हैं सीएसएस यार के? इसका मुझे सॉरी नहीं पता बिल्कुल नहीं पता ये आपको ना नहीं ये अगर आप इरफान साहब से डिस्कस करें ना तो आपको शायद बता दें आप इरफान साहब को कॉल कर लीजिए क्लास के बाद सुबह कर लीजिए कल ठीक है सर अच्छा क्रेडिट सेल 75 आपने पुट किया डेबिट साइड पे आएगी डिस्काउंट रिसीव करते हैं डिस्काउंट से आपका जो अकाउंट से क्रेडिट हो जाता है वो 3000 से डिस्काउंट आ गया ये डिस्काउंट आ गया आप बताएं बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है जी 59,000 जी 59,000 ये कलेक्शन आ जाएगी कलेक्शन और ये 59 और दिस इज द आंसर सी इज द आंसर ठीक है जी ओके उसके बाद नंबर 7 विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज इनफ्लो इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट जी बोनस शेयर बोनस तो कभी भी इनफ्लो नहीं है बोनस तो कभी भी इनफ्लो नहीं है ठीक है नहीं और डिग्रीज अकाउंट से पर यस ये इनफ्लो है यस इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये इनफ्लो नहीं है और ये इनफ्लो है यस ये है बी और डी इज आंसर यस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ कैश फ्लोस जी ये तो बड़े आसान सवाल है नहीं बी डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड एंड बोनस शेयर हां जी फाइनेंसिंग की बात हो रही है फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिंग की सबसे होती ठीक है चलिए अकाउंटेबल इनफ्लो वैसे इसलिए कि इंक्रीज अकाउंट्स पे मतलब माइनस कर देते हो ना इसलिए वो इनफ्लो है अच्छा ये समझ लेते हैं अच्छा अब आप ना जरा मुझे लगता है सवाल ये करना चाह रहे हो कि सर जो आपने रूल पढ़ाया था ना वो रूल हमें समझा दें हमें याद तो कर लिया वो रूल समझा दें ये बात करना चाह रहे हो यस ये बात कर ओके लिखे जी रूल दोबारा लिखें करंट एसेट करंट लायबिलिटी बेटा जरा पानी देना करंट लायबिलिटीज अच्छा ऊपर आएगा यहां पे आएगा इंक्रीज ये आ गया डिक्रीज अच्छा करंट एसेट का रूल क्या था कि करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा ठीक है और ये क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा yes. और करंट लायबिलिटी उसका उलट है ये ऐड हो जाएगा ठीक है और ये लेस हो जाएगा ये रूल था अच्छा इसका अब लॉजिक क्या है इसका लॉजिक सुने देखें जब करंट एसेट इंक्रीज होता है ना इसका मतलब ये हुआ कि आपने अकाउंट रिसीवल करंट है क्या अकाउंट रिसीवल है चले इसकी एग्जाम्पल लें एग्जाम्पल समझ आएगा आपको अकाउंट रिसीवल ओपनिंग और क्लोजिंग में इजाफा हुआ है यानी अकाउंट रिसीवल में इजाफा हुआ है अकाउंट रिसीवल का इजाफा इस बात की निशानदेही है कि आपकी जो सेल है वो सारी की सारी कलेक्ट नहीं हुई है उसमें से कुछ सेल ऐसी है उसमें से कुछ सेल ऐसी जो कलेक्ट नहीं हो सकी है तो इजाफे जितने से इजाफा हुआ है ना वो पोर्शन है जो कलेक्टेड नहीं हुआ लिहाजा इसलिए आप माइनस कर दोगे
ठीक है, और अगर अकाउंट रिसीवर में कमी होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ कलेक्शन तो जो आपने इस साल सेल की थी वो तो पूरी कलेक्ट हो गई है, साथ में जो पिछले साल में सेल थी वो भी कलेक्ट कर लिया आपने, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल था ना उसका भी कुछ पोर्शन आपने इस साल कलेक्ट कर लिया, इसलिए आप उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, इस तरीके से लायबिलिटी वाले रूल को हम अकाउंट्स पेबल से समझेंगे। अच्छा, अब अकाउंट्स पेबल में इजाफा हुआ है, अकाउंट्स पेबल में इजाफे का मतलब यह है कि उसके अगेंस्ट जो हमने एक्सपेंसेस बुक किए हैं उतनी पेमेंट नहीं हुई है, क्योंकि बाकी उसने हमें क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया, तो जितना उसने हमसे उधार दिया ठीक है वो हम क्या करेंगे, वो उसमें एड बैक कर देंगे। हमने तो एक्सपेंस बुक किया हुआ ना सारा, लेकिन बाकी उसने हमें कुछ उधार दे दिया, हमारा उधार की वजह से वो एक्सपेंस हमारा आउटफ्लो कम हुआ है, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, वो उसमें एड बैक कर देंगे, दैट इज व्हाई वी विल एड द इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, हमने एक्सपेंस बुक तो किया हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट कैश फ्लो हमारा नहीं हुआ, ठीक है जी, और उसका रिवर्स ये है कि हमने जितना एक्सपेंस बुक किया है उससे ज्यादा पेमेंट की हुई है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स पेबल कम हो गया, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये रूल याद नहीं ना होते, इस वक्त एग्जाम पर्पस के लिए ना मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि टू बी ऑन अ सेफ साइड आप ये एक दफा रूल, एक रूल बस याद कर लें इसमें से, ये वाला जो मैंने बताया था, ये लेस वाला, बाकी सारे उसी से खुद ही ड्रॉ हो जाएंगे। तो जैसे ही आप कैश फ्लो का सवाल देखें ना एग्जाम में, तो ये रूल फौरन बना लें कहीं साइड पे, ठीक है, ताकि आपको वो कोई गलती ना हो जाए। और दूसरे भी रूल जरा समझाने का नहीं, वो कौन से हैं? डायरेक्ट वो इतने ज्यादा ना, वो जैसा फॉर्मूले हैं, वो डिफाइंड फॉर्मूले हैं, उसका भी वैसे कोई लॉजिक, बहुत ही बदतमीज हो गया, इसे सिरे से बात नहीं करनी, इसे खाना भी नहीं देने, इसी तरह आज लगा रहेगा। अब अपने बेड पर, जिसके बेड पर बने जाने, खाना ही बंद हो गया, देख लो तुम्हारे साथ नहीं ये काम हो जाएगा, तुम्हारे साथ कभी ये काम, माइक काइंडली बंद हो गया उनका। अच्छा एक मैं ना सबका माइक बंद कर रहा हूँ, फिर दोबारा जो उसने खोलना खोल लीजिए जी, आप खोलना जिसने खोलना जी। सर ये डायरेक्ट मेथड में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसका एक रूल है जी, उसका ये मैं बताता हूँ, उसका उसका नहीं बताता, उसका रूल ये है, मैं बताता हूँ उसका रूल ये है कि वो फार्मूला यही है, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला की बात में हल कर रहे हो आप, इस फार्मूले की जी सर, इसमें सर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस का लॉजिक जरा समझा दे। हाँ देखें, एक्सपेंसेस ये वही चीज है जो मैं बता रहा था कि देखें, ये जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, इसमें इंक्रीज इन प्रीपेड ऐड क्यों होगा, क्योंकि प्रीपेड आपकी पेमेंट ज्यादा है लेकिन एक्सपेंस में कम बुक हुआ हुआ है, इसीलिए वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज इन प्रीपेड है तो कोई एक्सपेंस के अंदर ऐसा अमाउंट बुक हुआ हुआ है जिसके अगेंस्ट कैश पेमेंट नहीं हुई है, तो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लायबिलिटी साइड पे आ जाएं कि अगर आपका डिक्रीज इन अकाउंट पेबल है तो आपने पेमेंट लायबिलिटी की कर दी है लेकिन उसके अगेंस्ट एक्सपेंस नहीं बुक हुआ हुआ। ठीक है, क्योंकि अक्रूड पेमेंट, अक्रूड एक्सपेंस कम हो गया ना, तो अक्रूड एक्सपेंस कम का मतलब यह है कि कोई आपने सैलरी पेबल को डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया, तो आपने कोई एक्सपेंस तो बुक नहीं किया लेकिन आपने पेमेंट की हुई है, तो वो आप ऐड कर देंगे। और अगर आप ये माइनस कर रहे हैं, अगर आपने अक्रूड में इजाफा हो गया है तो आपने एक एक्सपेंस बुक किया है लेकिन उसके अगेंस्ट कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस में हमारी आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? आउटफ्लो है ना, इंक्रीज इन प्रीपेड, नहीं नहीं आप एक्सपेंसेस के हवाले से देखो, आउटफ्लो है ना ये, बिल्कुल आउटफ्लो है, तो एक्सपेंसेस के लिए तो ऐड हो जाएगा ना, एक्सपेंसेस तो बढ़ जाएंगे ना हमारे, आउटफ्लो तो बढ़ जाएगा ना भाई। साल के शुरू में आपके
इन रूल को आपने उन रूल्स के साथ मिक्स नहीं करना प्लीज, ये डायरेक्ट के रूल हैं, वो इनडायरेक्ट के रूल हैं, थोड़े से आप ये ना मिक्सअप ना कर लेना इन चीजों को, मैं इसीलिए उनको चीजों को अलग अलग बता दिया। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, वो इनकम के अंदर एड हो रहा है या एक्सपेंसिस में एड हो रहा है, वहां पे इंक्रीज इन एसेट को माइनस करते हैं या इंक्रीज को एड कर रहे हैं, लेकिन देखो भी तो सही किस में एड कर रहे हैं, वहां इनकम में एड कर रहे हैं या एक्सपेंस में से माइनस कर रहे हैं, फर्क है, हालांकि वो एक ही काम रहा है। अगर आप थोड़ा सा कभी एनालाइज करें ना दोनों मेथड को, तो दोनों मेथड एक्चुअली एक ही हैं, सिर्फ अप्रोच का डिफरेंट है, कैलकुलेशंस का जरा डिफरेंट है, दोनों में एक ही काम हो रहा है, तभी तो आंसर दोनों का सेम आता है, वरना आंसर सेम ही ना आए। अगर ये दोनों मेथड कोई डिफरेंट चीजें हो ना, तो दोनों से डिफरेंट आंसर आए ना आपका, इन दोनों का आंसर सेम आने की दलील ये है कि दोनों मेथड सेम है। इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बजाय अगर अप और डाउन रखते तो अच्छा नहीं जी सर, वो तो अब जिसने रखना था उसने रख दिया, वो उसने उसका काका उसने उसका नाम रख दिया, ठीक है, आप कोई अगर रिसर्च करेंगे आप अपना नाम रख लीजिएगा, ठीक है, ये तो उस शख्स ने जिसने डिजाइन किया उसने इसका नाम रख दिया ना, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको ना भाई ये इसी सवाल से ना मेरे जहन में आ गई, हमारे एक दफा ना ये इसके ऊपर एक जरा थोड़ी सी वर्किंग करते हैं कि इसको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट कहते क्यों हैं, ये जरा समझिएगा, इसके ऊपर ना बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो थोड़ा सा मुझे अगर आप दो मिनट आप लोग जरा बाकी एमसीक्यू सॉल्व करें इतनी देर, 9, 10 और 11 सॉल्व करें, मैं उसके लिए आपके लिए जरा ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बनाता हूँ, वो आपके लिए बड़ी अच्छी इन दोनों मेथड को समझने के लिए आसान होगी, मुझे जरा दो मिनट दें। कौन से पेज पे एमसीक्यूज? ये पेज नंबर है जी 208 पे, 208 पे 9, 10 और 11, 12 ये चार करें सॉल्व, जरा मुझे 5 मिनट ही चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। बेटे पानी देना,
जी क्लास आवाज आ रही है मेरी? यस सर आवाज आ रही है अरिका तो। ओके जी, अच्छा ये देखें मैं आपके सामने ना दो, ये दो बॉक्सेस हैं, उसके अंदर ना एक बॉक्स के अंदर कैश आइटम भी है और नॉन कैश आइटम भी है। ये नहीं जो ग्रीन वाले हैं ये कैश आइटम है और जो जो आपके हैं रेड वाले हैं वो नॉन कैश आइटम है, ठीक है? जी। अच्छा इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम करते ये हैं कि जो हमारे नॉन कैश आइटम है ना उनको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है? यहाँ से रिमूव कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया और यहाँ से रिमूव कर लिया, तो जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे सारे कैश आइटम हो जाते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड में हम ऐसा करते हैं कि नॉन कैश को वहां पे रहने देते हैं, कैश आइटम को अलग अलग कर लेते हैं, कैश आइटम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जरा ये करने कैश आइटम से ज्यादा है, अब देखिए हुआ क्या कि एक तरफ हमने इनडायरेक्ट मेथड कहते किसी है कि हम कैश आइटम को हिट नहीं कर रहे होते, हम नॉन कैश को अलग से निकाल रहे होते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम कैश आइटम को निकाल रहे होते हैं, जो बच जाते हैं वो नॉन कैश बच जाते हैं। तो होता क्या क्या है, अल्टीमेटली रिजल्टेंट फैक्टर क्या है कि नॉन कैश आइटम, ये दोनों मेथड एक ही है, बस क्या है कि चुनने का फर्क है, वहां हम कैश आइटम को चुन रहे होते हैं, वहां नॉन कैश को चुन रहे होते हैं। कैश पेमेंट निकाल रहे होते हैं, कैश कलेक्शन निकाल रहे होते हैं, कैश वगैरह वगैरह हर चीज निकाल रहे होते हैं, ठीक है? नॉन कैश को हम इग्नोर कर देते हैं, वो पीछे वो जो बचत है वो नॉन कैश बच जाता है। ये तरह से ना एनालॉजी होती है, ये बड़ा एक विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दोनों मेथड की। हालांकि तभी देखिए ना, ये दोनों मेथड की इन सब्सटेंस ये एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है ये दोनों मेथड, बस क्या है पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है, देखने का फर्क है, अंदाज का फर्क है, बस चीजें एक ही है। ओके जी, ये तो जस्ट एक वैसी डिस्कशन थी। तो एमसीक्यू नंबर 9 किया जी, जो आपने कहा नॉन कैश आइटम लगा करते हैं, तो इसमें जो इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, ये तो कैश आइटम है। ओहो, वो ऊपर ऑपरेशंस की तक की बात कर रहे होते हैं, बाकी तो सेम ही है। आप किधर की बात कर रहे हैं, फाइनेंस किस किस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात? और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आता ना पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम जो मेन हमारा कंसर्न होता है ना यार, अब आप भूल गए मेरे ख्याल से, जो मेन कंसर्न है ना हमारा, अभी किधर गया पेपर हमारा, ये सॉल्यूशन सिर्फ पार्ट ए की बात कर रहे हैं मैं, ये देखें ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ जी सर, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने इस अच्छा, वक्त ऊपर वाला बस ये ऊपर, और उसके बाद तो वो कॉपी पेस्ट किया ना सारा, ठीक हो गया सर, राइट, यस, ओके, इधर आ जा। क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया जी, 9 है क्या जी? यस सर, नाइन के जी, किसी को नाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आगे चलें। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल एट अ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्या आंसर है जी इसका? 21,500 सिंपल सवाल, इस तरह के सवाल काफी मॉक एग्जाम में काफी आए हुए हैं जी। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट हेल्प्स डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं ये तो कैश की बात करता है, इट हेल्प्स यूजर टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो, यस ये ठीक लग रहा है, इट डिटरमिन द रेशियो, बिल्कुल नहीं, इट हेल्प्स डिटरमिन नेट एसेट, बिल्कुल नहीं, बी इज द आंसर। उसके बाद 11 के अंदर बता रहा है, अ कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट की है आपने, आपने 6 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, डिबेंचर परचेज किए हैं और
नॉन करंट एसेट परचेज किए हैं, विच अमाउंट टू बी शोन इन एनर्जी, बताएं जी। यही आएगा, यही आएगा बस, ए यही आएगा बस। सर बी होगा सर, 95 होगा क्योंकि रिडीमेबल कैपिटल है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। भाई ए है, बी है, सी है, डी है, क्या सर? वो बात है सी, सी 95,000 ई पार्ट की बात कर रहा है सी। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ये दोनों हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। ये डिबेंचर परचेज किए आपने, ये डिबेंचर परचेज किए और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इशू नहीं किए हैं, इशू फाइनेंसिंग होती है, ये परचेज किए हैं, नॉन करंट। ये 95 इज द आंसर, यस ठीक, सी इज द आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा ये वो सवाल आ गया जी जो आप पूछते हैं सर, प्रीमियम वाला। A company has provided the following data at the end of the year 17. She premium दिया हुआ है 1,00,000 का premium, sorry capital दिया हुआ है 1,00,000 का, premium दिया हुआ है 3,000 का। The company has made a right issue for 1/5 during the year at 1.2 per share. What is the amount to be shown in the statement of cash flow in financing activity? जी right issue क्या होता है कि 1/5, इसका मतलब ये है कि आपके अगर 1,00,000 share है तो आपने 20,000 शेयर की राइट इशू की है, लेकिन 20,000 शेयर को मल्टीप्लाई के 1.2 से 24,000 जी। व्हाट इज द आंसर? 24,000 सर, 24,000 ये होएगा 1.2 24 का इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो होगा सर, इनफ्लो आउटफ्लो है, इनफ्लो सर। हां ये, हां जी ये बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सर ऊपर करना दोबारा, ऊपर अब मिट गया है थोड़ा सा ले जी। सर हमने इसको ये शेयर प्रीमियम का अकाउंट नहीं यूज कर किया यहाँ पे इसमें। हाँ तो करें ना सही, कैसे यूज करें? उसने कहा क्या कहा कि उसने जो ऊपर की जो वैल्यू पार्ट है वो कहाँ से, उसने उसने कुछ नहीं कहा, साइलेंट है। देखिए शेयर प्रीमियम का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें 3,000-4,000 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। हाँ ठीक, और बाकी जो 20,000 वो 1,00,000 में चला जाएगा। हाँ ये यहाँ पे ये 20, ये 20 हो जाएगा और ये 20, ये कितना है? ये 7,000 हो जाएगा। यस 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर सर ये 1.2 की जगह 0.8 होता फिर सर वो मेरे लिए नहीं, फिर तो आपने डिस्काउंट कर दिया ना, फिर तो वो उसको डिस्काउंट पे कर देंगे। लेकिन नॉर्मली पार से कम सेल नहीं करती है कंपनी, पार से कम क्यों सेल करेगी कंपनी? ऑफर करती है ना कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है ना कि वो कम वैल्यू पे। लेकिन देखिए ना, कंपनी अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो नॉर्मली वो ठीक है, वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। डिस्काउंट पे भी शेयर इशू होते हैं, लेकिन आपको पता है लॉ के अंदर ना डिस्काउंट पे शेयर इशू करने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मुझे उसमें नहीं, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम इतने कैपिटल, अब वो उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट तब्दील होती रहती है, वो कॉर्पोरेट लॉ में जाके आप ना जरूर चेक कीजिए इस चीज को कि ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर नहीं सकती है कोई कंपनी। फिर देखा, अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करने हैं तो वो तो एक बात ठीक नहीं है ना कंपनी के लिए, क्योंकि आपको तो रिक्वायर्ड पैसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, आपको तो फिर आपको फाइनेंसिंग का कोई और सोर्स तलाश करना चाहिए। पर वो ये भी तो करते हैं ना ताकि अपने शेयर होल्डर की अमाउंट को बढ़ाने के लिए भी तो करते हैं ना अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट। तो ये इसीलिए तो, इसीलिए तो लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना कि अनड्यू ना इंक्रीज करें उसको। ठीक हो गया, ठीक है ना भाई। लॉ के अंदर ना बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कंपनी के हवाले से, हर चीज में को कंपनी ने टैप किया होता है, ऐसी बात नहीं होती है। 13 हाउ शुड अ गेन On sale of equipment be reported in cash flow using indirect method? क्या करते हैं जी? A B C D क्या बताएं? A है सर, operating में working gain या loss में non cash transaction है। Gain को हम minus कर देते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। 14 Which two of the following are added as non cash adjustment? To the statement of profit and loss, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक yes, एक interest वाला add होता है और एक B और C में होती है, नहीं A और C होगा ना, loss on sale of
ए और सी है, दो दो है, सी होगा इसका, नहीं दो है, ए और सी दोनों है। इंटरेस्ट को भी हम ऐड बैक करते हैं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं बस, करते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट को फिर माइनस करते हैं जी, दोनों करते हैं ना, इंटरेस्ट को भी हम ऐड बैक करते हैं, इंटरेस्ट को भी हम ऐड बैक करते हैं और हाँ और लॉस को भी ऐड बैक करते हैं। ठीक, वेयर इन अ कंपनी आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड यू फाइंड प्रोसीड फॉर सेल, तो अजीब सा ही सवाल है इसमें, ये सी आंसर नहीं, डी टी कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो के अंदर सिर्फ प्रोसीड होती है, इसके अलावा और कहीं भी आपको ना प्रोसीड गिवन नहीं होगी। जेड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ assets during the year there was a decrease in account receivable of 1,000 हाँ जी, तो ये depreciation भी add back होता है, loss भी add back होता है, ये दोनों add हो जाएंगे तो ये 47 हो जाएगा, ये 47 हो गया, और 47 में ये 1 भी add हो जाएगा, 1 भी decrease है। कल की क्लास ना छोड़िएगा, कल हमने इंशाल्लाह इनकम टैक्स को पढ़ना है जी। अरे आप मंडे को नहीं कह रहे थे कि हम टाइम ही दे रहे थे कैश फ्लो? नहीं नहीं, कैश फ्लो का टाइम आज दे दिया ना आपको सर जी, आपने कहा मंडे तक टाइम है, इतना टाइम मेरे पास है नहीं ना, मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा है, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि अब आपने देखना ना, अब 3 घंटे की क्लास होगी, उसमें 3 घंटे में आपने ये जो 3 संडे है, ये 3 संडे फिर हमने प्रैक्टिस में लगाने हैं, 9 घंटे तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो बाकी फिर वहां पर कितना टाइम रह गया, 10-12 घंटे रह गए हैं। सर ऐसे ना करें, हमें टाइम दे दें कैश फ्लो के लिए, क्योंकि हमने नहीं अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, मेमोरीज होंगी सर वो भी बी में रह जाएंगी। अच्छा उसका फिर ऐसा करते हैं मेवास होने, मैं आपको ना कल फिर दूसरे छोटे स्टैंडर्ड पढ़ा देता हूँ, क्या डेफर टेस्ट नहीं पढ़ाता, ठीक है, कुछ 2-3 छोटे स्टैंडर्ड हम कंप्लीट कर, ये बेहतर है, फिर आपका जमा करेंगे कैश फ्लो के, जी जी हमारा ये रह जाएगा। हाँ जी, कैश फ्लो के काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, खास तौर पे ये जो 2-3 टॉपिक है ना, ये बड़े हॉट टॉपिक है, कैश फ्लो, डेफर टैक्स, लीजिंग, ठीक है, इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स, IAS 16, नॉन करंट का जो पूरा पोर्शन है ना, अगर आप कर लेते हैं ना इसी तरीके से, तो आपका काफी हद तक पेपर ग्रिप में आ जाता है, जो कि हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 17, असमत लिमिटेड मेड द प्रॉफिट, ठीक है, आपका प्रॉफिट है जी 3,20,000 आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 32,500, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। अच्छा ये इसमें ऐड कर देंगे आप, ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद परचेज, व्हाट इज द नेट कैश, नेट इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, तो दोनों को ऐड करें बेटा, 6। अच्छा ये हमारा परचेज माइनस होगा, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा, माइनस, ये ऐड होगा, ये सर ऐड होगा, ये ऐड होगा, ठीक है, ये अमाउंट ऐड होगा, तो आंसर बताएं क्या आएगा बेटा, 1,676,000 मतलब आपको कैश फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई मसला नहीं है आपके लिए, इंशाल्लाह ये सवाल करने का, ये आप जो से ये सवाल हो रहे हैं ना, बस उसके लिए कैश फ्लो पूरा हो गया, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो अभी करते हैं पूरे अभी आगे भी। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 4% लोन नोट्स हैं जी, इंटरेस्ट पेबल, हाँ जी बड़ा आसान, व्हाट इज द अमाउंट to be reported at interest paid, T account बनाए जी interest payment का, जी interest payable, T account बनाए interest payable का, 30,000 आएगा, चलो जितना भी आएगा, payable का opening क्या 10,000, yes sir, closing है 20,000 जो हमारा खुलिया है, उसके बाद
आपका इंटरेस्ट टोटल है कितना? 40,000 इंटरेस्ट है, 40,000 इंटरेस्ट से क्रेडिट होगा, तो बताएं बैलेंस फिर क्या है? 30,000 ये ओपनिंग भी दी हुई है और क्लोजिंग भी दी हुई है। इस तरह के सवाल ना, ये जो 19 वाले है ना, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर की, जहां पे नॉन करंट की मूवमेंट बता रहा होता है वो, ठीक है। कॉस्ट ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर एसेट कॉस्टिंग रुपीज, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40,000 सोल्ड, व्हिच व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन एज आउटफ्लो, यानी परचेज, परचेज ऑफ एसेट कितना आया जी? चले जी बनाए टी 2 लाख। 2 लाख अच्छा चले आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, मैं कैलकुलेट तो कर लेना, ये आएगा नॉन करंट एनसीए, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी। एनसीए का ओपनिंग कितना है? 3.5। यस सर। क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग 4.5। अच्छा, उसके बाद एक एसेट कॉस्टिंग रुपीस 1,00,000 की क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। ओके, ये कितना डिफरेंस कितना आ गया परचेज का? 2 लाख। 2 लाख, ये तो 2 लाख परचेज आ गया ना, सेल का भी निकाले, ये तो परचेज आ गया। उसने नेट पूछा हुआ है आपसे, नेट पूछा हुआ है ना, नेट कैश फ्लो, नेट ऑफ करना, 70,000 तो ये 2,70,000, 1,70,000। अच्छा एक मिनट, अच्छा 30,000 आएगा नेट, एक मिनट, ये 1,00,000 बुक वैल्यू थी और जो है वो सोल्ड एट 30,000, ठीक है, यानी आपको क्या हो गया, आपको सर गेन है 30,000 का ना, 30,000 का सेल हुआ ना सर, एक मिनट दोबारा सुने, प्रॉफिट हुआ है ना आपको, 70,000 का सेल हो गया, 30,000 का गेन है, 30,000 का गेन है, तो 40,000 की वो है, टोटल इनफ्लो कितना है? 70। यस 17, वेरी गुड, 70 इनफ्लो, तो 70 इनफ्लो है और 2 लाख आउटफ्लो है, तो ये नेट क्या हो जाएगा? 130,000 सर। आउटफ्लो इनफ्लो सर? आउटफ्लो, आउटफ्लो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। 20, the following account amounts has been calculated for inclusion in the statement of cash flow of H Limited. Net cash flow from financing activity, net cash outflow from investing. अच्छा आप देखें कि ये जो आइटम है ना, इसकी नेचर प्लस है, इसकी नेचर माइनस है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो कितना है? 24,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 3 कैश फ्लो होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा आपको ये गिवन नहीं है, ठीक है, आपको ये गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है आपने, ठीक है ना? करेंगे सर, एक मिनट, इसके बाद ये आपको गिवन है, ये एज अ पॉजिटिव फिगर गिवन है, ठीक है। ये कितना गिवन है? 1 For, ये इन्वेस्टिंग की गिवन है, नहीं 160 नेगेटिव, एक मिनट, 160 नेगेटिव गिवन है, और ये आपको एक पॉजिटिव फिगर गिवन है, कितनी है? 1,45,000। इन सब का जो नेट इंपैक्ट है वो इक्वल टू आएगा, रिवाइज थोड़ा साइंस के मेरी क्लास खत्म होने लगी, इसका इसका जो नेट इंक्रीज है वो 24 है, ठीक है, 24। आप मुझे बताएं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 24 का सम कर लो आपने, ये लिखा हुआ है ना, ये नेट इंक्रीज इन कैश, तो इन तीनों का सम यार, ये तीनों का नहीं, इन तीनों का, हाँ ठीक है, ठीक है, इन तीनों का, ये एक्स जी 39 सर,
39 आएगी श्योर यस 39 आएगी बिल्कुल 39 आएगी क्योंकि 39 में देखे ना ये दोनों तो ये नेट ऑफ कितना हो जाएगा ये नेट ऑफ हो गया कितना नेगेटिव आ जाएगा 15,000 ये नेगेटिव 15 आ जाएगा ना नेगेटिव 15 और 39 तो नेट 24 आ जाएगा ठीक है 39 तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पूछ रहा है ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें आप करेंगे इन दोनों को ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे और इनकम को भी ऐड करेंगे 1,16,000 यस बिल्कुल ये आंसर है ये बड़ा अच्छा सवाल है जी वेरी गुड क्वेश्चन ये सवाल इस तरह वैसे वो लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है मिसिंग वैल्यू ये लॉन्ग ही तो है और क्या है यार ये लॉन्ग ही तो है ये इसी तरह का लॉन्ग होगा ये एमसीक्यू नहीं है ये एमसीक्यू कहां पे है आंसर कुछ आपको ऑप्शन थोड़ी दिए मैं इसके अंदर ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर का सवाल होगा 3 से 4 नंबर का सवाल ठीक है जी ये आएगा 1,16,000 थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लेक्स कर देगा ना वो अभी तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए बड़ा टाइम है मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल बहुत दे दूंगा इसके अलावा बहुत प्रैक्टिस मटेरियल में पड़ा हुआ सवाल नहीं खत्म होंगे आपका इंशाल्लाह सर इनकम टैक्स और इंटरेस्ट पेड हमने क्यों ऐड बैक कर दिए क्योंकि हमें ऊपर वाली फिगर निकालनी है हमें ऑपरेशंस वाली फिगर निकालनी है फॉर्मेट दिखा दें हाँ ये भी सही क्लियर हो जाएगा जी जी क्लियर हो जाएगा ये जी फॉर्मेट देखो जी इधर गया फॉर्मेट ये ए इधर गया फॉर्मेट यार सॉरी हाँ ये देखिए ना हमें ये येलो वाला निकालना है हमें ग्रीन वाला गिवन है ठीक है तो ग्रीन वाले के अंदर ऐड बैक करें तो येलो वाला आ जाएगा ना ठीक है हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो फर्क है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्क है दो अलग अलग चीजें हैं ये ठीक है ओके जी आगे चलें बट टाइम थोड़ा ही रह गया अब बाकी चीजें फिर आप कर लीजिएगा ये जो मैंने आपको पास पेपर के सवाल बताए ना चलें कल फिर आपको टाइम दे देते हैं कल के दिन हम छोटे स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं और कौन से रह गए छोटे स्टैंडर्ड जरा देख लेते हैं एक मिनट मैं बता देता हूँ जी एक मिनट रुके जी कल के दिन हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे IFRS 5 पढ़ लिया हमने सर IAS 8 करवा दें IFRS 5 नहीं पढ़ा 5 पढ़ लिए 5 पढ़ लिया पढ़ लिए ठीक है ओके IFRS 3 ये 8 ये IFRS 8 ही पढ़ लिया IAS 8 यस कल IAS 8 हम पढ़ते हैं और कौन सा रह गया 24 रह गया आपको जो वीडियो सेंड किए ना वो बहुत डिटेल वीडियोस हैं अगर आप वो वॉच कर लेना तो बहुत इनफ है ठीक है वो काफी है आप लोगों के लिए इतना एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस होगी काफी है ये दो भी हो गए हैं हमारे पास देखिए हमारे पास अब रह कुछ नहीं किया ये IAS 10 में से शुरू नहीं कर रहा ये जो IFRS 15 है ये थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड है ये हम इंशाल्लाह कैश फ्लो के सॉरी इनकम टैक्स के बाद करेंगे अब आप मुझे बता दें इसके बाद एक एरिया छोटा सा ये बड़ा रह जाएगा ये इंशाल्लाह आपको मैं एक दो क्लासों में करवा दूंगा और एक क्लास में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा 3 क्लास टोटल रह जाएंगी हमारी इन चीजों के लिए ये आफ्टर उसके बाद हमारा कुछ डेफर्ड इनकम टैक्स के बाद डेफर्ड इनकम और IFRS 15 के बाद हाँ नहीं नहीं संडे वाले दिन तक नहीं अगले संडे वाले दिन तक बिल्कुल यस अगले संडे वाले एक तो ये संडे आ रहा है ना इससे अगले संडे वाले दिन तक आप तकरीबन कोर्स कंप्लीट होगा आपका इंशाल्लाह उसके बाद में जो प्रैक्टिस के थोड़े टाइम है वो जितने जिस तरह हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हम एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे क्लास में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं ठीक है जी अब कल कौन सा पढ़ना है IAS 24 कल IAS
हाँ 24 तो वैसे के लिए मैं IS 24 IS 8 और कौन सा रह गया यार बताना जरा मुझे असल में ना मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी टच नहीं कर रहा वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको थोड़ा सा ना मेंटली जरा रिलैक्स टाइम चाहिए और वो इनकम टैक्स पढ़ने के बाद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें टैक्सेशन की भी कवर होंगी ठीक है ना कुछ टैक्स के रिलेटेड मैटर्स भी उसके अंदर हैं तो ब्रॉडली जी ब्रॉड स्पीकिंग हम देखेंगे ना तो ये IFRS 15 ये वाला ग्रुप अकाउंट्स और ये IFRS 9 ठीक है और ये IS 12 ये चार चीजें रह जाएंगी हमारी और ये चारों चीजें अगर हम IS 12 कर लेते हैं अगर हम ये वाला कर लेते हैं और ये कर लेते हैं तो ये जो दो जो एरिया रह गए हैं ना ये जस्ट 5% से भी कम एरिया है 2-3% का एरिया है बल्कि 3% का एरिया है जस्ट 3% हमारा 97% सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 15 एंड IS 12 97% सिलेबस हमने देखें खैंस के कवर कर ही दिया है और देखें मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको लपेटू ना एक चीज कोशिश की है हाँ कुछ एरिया जैसे लीजिंग के अंदर लेसर अकाउंटिंग मैंने डिस्कस करनी मुझे याद है ठीक है वो लेकिन वो एक बिल्कुल एंड पे जाके हम डिस्कस कर लेंगे कल हैंडआउट्स हमने इसी दे देंगे हैंडआउट्स हैं इसके कोई नहीं नहीं हैंडआउट्स कोई नहीं है अच्छा एक चीज वो मैंने हाँ बुक से ही करवा दूंगा कोई मसला नहीं बुक से ही करवा दूंगा हमसे प्रिंट आउट ले लें यार देख लो ना अब इंडेक्स में खोल के देख लेना इसमें ठीक है ओके क्लास थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज रव साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे रव साहब क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरा आज आपकी आवाज नहीं सही है क्योंकि मैं बस साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा अब आई है सही हाँ जी आई है करें बात हुकुम करें रव साहब कल टेस्ट है क्या कहते हैं एनटीएस के किसी का एनटीएस का इनकम टैक्स में बाबडा में नहीं चीज का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है एनटीडीसी में है किस चीज के लिए किस नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए टेक्निकल स्टाफ के लिए भी है कुछ क्लर्क वगैरह के कौन से ग्रेड के ग्रेड तो नहीं है मैं आपको मुझे काइंडली व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं तो मैं आपको शेयर करता हूं आप मेरा नंबर वहां पे लिख लीजिएगा 3311 है ग्रुप के अंदर ना 3311 लास्ट पे आएगा मेरा वो मेरा नंबर है मैं आपको वो सेंड करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन।